दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। आप अकाउंटेंट हैं या बिगिनर हैं अकाउंट्स में, तो दोस्तों टेली में काम करते समय कुछ एक कीज़ आपको मैं आज बताने वाला हूँ, जिनका यूज़ करके आप अकाउंटेंट का जो आपका काम है इसको आप नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। इन शॉर्टकट कीज़ की मदद से आप अपने काम को बहुत ही कम समय में पूरा कर पाएंगे। जिस काम को करने में आपको 3 या 4 घंटे लगते हैं, इन शॉर्टकट कीज़ की मदद से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कीज़ है आपके लिए और रोज़ाना के कामकाज में आपके अकाउंटिंग में काम आती है, डे टू डे बेसिस पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उनसे आप अपना काम है वो बहुत ही कम समय में पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, आप ये टेली के इंटरफेस पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, तो सबसे पहले अपन उन्हीं की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए आल्ट पी प्रिंट का जो कमांड है, ये अपनी पहली की है जिसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी लेटर के साथ में यदि सिंगल लाइन है तो इसका मतलब है आल्ट के साथ वो की प्रेस करनी है, और यदि यही लाइन डबल है यानी कि दो लाइनें हैं तो आपको कंट्रोल के साथ वो की प्रेस करनी है, कंट्रोल के साथ वो की प्रेस करनी है। यहाँ पे सिंगल लाइन है पी के नीचे, यानी कि आपको आल्ट पी प्रेस कर कि आपको आल्ट पी प्रेस करना है तो प्रिंट आप कर पाएंगे। ये अपन प्रेस करते हैं। अब देखिए, अब आपको जो भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट करनी है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए अकाउंट बुक्स में आपको लेजर में आगे अपन किसी का लेजर प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से जो भी लेजर आपको प्रिंट करना है उस लेजर को आप सेलेक्ट कीजिए। ये आपके पास प्रिंट की विंडो आ गई है। यहाँ पे आप जैसे ही इसको यस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यदि आपको इसमें कोई चेंज करना है, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिखेंगे, वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आप डाल सकते हैं। यहाँ से अपन बाहर आ जाते हैं, इसको नो किया अपन ने, ये नो कर दिया, बाहर आ गए इससे। दूसरी जो की है दोस्तों, वो इसके पड़ोस में आप देखेंगे आल्ट ई यानी कि एक्सपोर्ट। मान लीजिए आपको प्रिंट नहीं लेना है, प्रिंटिंग का काम दोस्तों आजकल अकाउंटिंग में बहुत कम हो गया है क्योंकि हर एक चीज़ आजकल डिजिटलाइज हो चुकी है। तो जो अपन किसी को लेजर अपना सेंड करते हैं या किसी से अपन लेजर मंगाते हैं, मान लीजिए हिसाब टैली करने के लिए, तो वो भी आजकल आप लोग या तो पीडीएफ बना के मेल कर देते हैं या सामने वाला बंदा भी आपको पीडीएफ करके मेल, व्हाट्सअप जैसे भी है वो कर देता है। तो आप यहाँ से आल्ट ई प्रेस करके कुछ भी चीज़, चाहे लेजर अकाउंट हो गया, बैंक बुक हो गई, जो भी चीज़ आपको देनी है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपन इसको देखते हैं, ये अपन ने किया है। मान लीजिए कोई लेजर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये लेजर आ गया सब आपका। अब आपको इस लेजर को एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से आप आल्ट ई प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे आपसे देखिए ऑप्शन पूछेगा, इसको अपन नो करते हैं, लैंग्वेजेस डिफ़ॉल्ट। अब आपको पीडीएफ चाहिए, ये आपके सामने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पीडीएफ में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, वो आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये आपसे एक्सपोर्ट की लोकेशन पूछता है, जहाँ को भी आप इसको भेजना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप इसकी लोकेशन डाल दीजिए और इसको एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी की हो गई आल्ट ई। थर्ड नंबर पे की आती है दोस्तों आल्ट प्लस F2। ये आपको आपके इंटरफेस पे दिख जाएगी टैली पे, आप यहाँ पे राइट पे देखिए तो यहाँ पे आपका आल्ट F2 यानी कि पीरियड, जो भी आपको पीरियड सेलेक्ट करना है यहाँ से आप आल्ट F2 प्रेस करके पीरियड चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अपन को देखना है सेल्स में, आ गए सेल्स में, आपको एंट्रीज देखनी है, तो जिस भी पीरियड की आपको एंट्री देखनी है उस पीरियड को आप यहाँ पे आल्ट प्लस F2 प्रेस कीजिए, और यहाँ पे जो भी पीरियड आपको चाहिए, मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल चाहिए तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल डाल दीजिए, जून चाहिए, मई चाहिए, जुलाई चाहिए, जो भी दिसंबर चाहिए, जो भी आपको पीरियड डालना है वो आप यहाँ पे पीरियड डाल के इसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आप डेट की बजाय यदि आप मंथ का नाम डालते हैं, सपोज जुलाई है, तो आप यहाँ पे JUL डालेंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ,
तो ये JUL जैसे टाइप करेंगे तो ये 1 जुलाई से इसको ले लेगा। दोबारा आप JUL डाल देंगे तो ये 31 जुलाई ले लेगा। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई जो भी पीरियड आप इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप नंबर डालें, वैसे नंबर डालने चाहिए, आप पीरियड डालें एक ही बात है। इसके बाद की आती है दोस्तों Alt प्लस सी। ये कीज तो वो है जो यहाँ पे अपन को मिल जाती है टेली के इंटरफेस पे ही। अब कुछ कीज ऐसी बात करेंगे जो यहाँ पे आपको नहीं मिलती लेकिन आपके रोजाना के कामकाज में बहुत ज़्यादा काम आती है, जिनसे आप अपनी अकाउंटिंग का स्किल है इसको आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। Alt प्लस सी यानी कि दोस्तों क्रिएशन, चाहे आपको नया लेजर क्रिएट करना है, चाहे आपको कोई स्टॉक का आइटम क्रिएट करना है, आप Alt प्लस सी की मदद से वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। Alt प्लस सी जो की है ये दोस्तों आपको वाउचर के दौरान यानी कि जब आप एंट्री पोस्ट कर रहे हैं उस समय आपको ये सुविधा देती है कि आप वहीं पे कोई भी लेजर कोई भी स्टॉक का आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए पेमेंट की मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैश पेमेंट किया है किसी को, तो अपन ने कैश का लेजर सेलेक्ट किया कैश। अब इसके बाद मान लीजिए आपको ABC को आपने पेमेंट किया है तो आप यहाँ पे ABC सेलेक्ट कर लेंगे। अब यदि ये ABC का लेजर बना हुआ नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पे Alt प्लस सी प्रेस कीजिए तो आपके पास जो ये विंडो है ये क्रिएशन की विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप जो भी लेजर आपको क्रिएट करना है वो लेजर डाल दीजिए, जो ग्रुप देना है वो ग्रुप डाल दीजिए और इसकी मदद से आप ये कर पाएंगे। अब दोस्तों यदि बात करें अपन सेल्स की एंट्रीज, ये पेमेंट की एंट्री थी, अपन को पोस्ट करनी है अकाउंटिंग वाउचर में आगे अपन को सेल्स की एंट्री पोस्ट करनी है। F2 से अपन ने डेट डाल दी, आज की डेट मान लीजिए 20 नो है तो 20 नो डाल दिया अपन ने। रेफरेंस नंबर आपका बिल नंबर आ गया, मान लीजिए 1 है। अब जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप Alt C से पार्टी यदि आपकी नहीं है पहले से लेजर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप Alt C से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में सेल्स लेजर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको जो आप आइटम दे रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने ये Alto 800 LXi और VXi दो आइटम क्रिएट कर रखे हैं, तो यदि ये आप सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करेंगे। यदि मान लीजिए ये आइटम आपका क्रिएट किया हुआ नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली Alt प्लस सी प्रेस कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके पास क्रिएशन का विंडो आ गया है, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए जो भी आइटम आपको क्रिएट करना है, ग्रुप डाल दीजिए, इसके बाद जो भी डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हैं। तो यहीं पे आपका वाउचर एंट्री के दौरान ही आप Alt C प्रेस करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक का आइटम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ की जाती है जो आपकी यहीं पे आप देखेंगे टेली का इंटरफेस। टेली के इंटरफेस पे दोस्तों आप देखिए कि जिस पे भी अपन जा रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं जिस भी रो को, उसमें आपको एक वर्ड इसमें हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। अकाउंट्स इन्फो में देखें तो आपको ए हाईलाइट है, इन्वेंट्री में आई हाईलाइट हो रहा है, अकाउंटिंग वाउचर में वी हाईलाइट हो रहा है, इन्वेंट्री वाउचर में टी हाईलाइट हो रहा है। इसी तरीके से आप बैलेंस शीट पे देखेंगे बी हाईलाइट है, प्रॉफिट एंड लॉस पे पी हाईलाइट है। तो दोस्तों अगली बात है आपको बैलेंस शीट व्यू करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे बी प्रेस कीजिए और आपकी बैलेंस शीट आपके सामने ओपन हो जाती है। इसके बाद पी अपन प्रेस करेंगे, पी स्टैंड करती है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, आप सिंपली की पी प्रेस कीजिए और आपके सामने आपका P&L अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से अपन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट की है दोस्तों आपकी Alt प्लस आई। आप जब सेल्स की एंट्री पोस्ट करते हैं मान लीजिए अपन अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, आपको सेल्स की एंट्री पोस्ट करनी है तो यहाँ पे आप दो तरीके से सेल्स का या परचेज का इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं, या तो आप वाउचर मोड में करते हैं या आप उसको इनवॉइस मोड पे रिकॉर्ड करते हैं। दो तरीके से आप लोग जानते होंगे जहाँ तक मेरा मानना है अच्छे तरीके से इस बारे में, कि या तो सेल्स और परचेज इनवॉइस मोड पे होती है या वाउचर मोड पे होती है। दोस्तों ये जो की है इसके लिए Alt प्लस आई आपको परचेज मोड पे करना है या इनवॉइस मोड पे करना है तो आप यहाँ पे Alt प्लस आई प्रेस कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों वाउचर मोड पे, इसमें आपको
वाउचर मोड पे आप एंट्री कर पाएंगे, और यदि आपको इनवॉइस मोड पे डालना है तो आप यहीं पे अल्ट प्लस आई प्रेस कीजिए। दोबारा आप अल्ट प्लस आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इनवॉइस मोड आ जाएगा या वाउचर मोड आ जाएगा, अल्ट प्लस आई से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट की है दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस डी। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि अपन जब अपनी सेल्स की एंट्री पोस्ट करते हैं, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, वाउचर नंबर हो गया इसका, बिल का 1, ABC हो गया, सेल्स कर दिया अपन ने, ये अपन ने एंट्री की अल्टो LXI 1 यूनिट, इसका रेट मान लीजिए 2,50,000, ये हो गई। इसके बाद अपन ने ये अल्टो VXI भी सेलेक्ट कर लिया 1 पीस। अब दोस्तों आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे एंट्री डालनी थी, या ये जो आइटम दूसरा आपने लिया है इसको गलती से आपने कर लिया है, तो आप इसको कैसे करते हैं दोस्तों ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसका सीधा सा तरीका है, आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे कि जो रो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से चली गई है। आप डायरेक्ट अब जो रो आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टैली में कॉपी और पेस्ट के लिए अलग कमांड है। एक्सेल जब अपन यूज़ करते हैं तो किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए अपन की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सी, उससे आपका डेटा कॉपी होता है, और पेस्ट करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस वी। टेली में थोड़ा सा अलग है, टेली में आपको किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी जो है वो प्रेस करना है। इसी तरीके से यदि कोई डेटा आप पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी। तो टैली और एक्सेल में ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों की आती है डिलीशन की। डिलीशन के लिए आता है आल्ट प्लस डी। डिलीशन की का अपन यूज़ देखते हैं दोस्तों, ये अपन इसके लेजर में आ गए। अब अपन को इसको कुछ एंट्री अपन ने गलती से पोस्ट कर दी, मान लीजिए सेल्स का बिल है जो इनका नहीं होना है, या कोई पेमेंट की एंट्री आपने कर दी है जो आपको डिलीट करनी है, या कोई पेमेंट रिसीट की एंट्री आपने डाल रखी है उसको आपको डिलीट करना है, तो उस एंट्री को सेलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए आल्ट प्लस डी। ये आपसे कंफर्मेशन मांगता है डिलीट यस और नो, आपको डिलीट करनी है एंटर मारिए, या आप यस कर सकते हैं तो ये एंट्री आपके डिलीट यहाँ पे हो जाती है दोस्तों। इसके बाद जो अगली की है वो है आल्ट प्लस आर। किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए आल्ट प्लस आर यूज़ होती है दोस्तों। अपने ज़्यादा काम कब आती है, जब अपन पार्टी के लेजर अकाउंट रिकनसाइल करते हैं, डेटर या क्रेडिटर्स जब अपन लोग रिकनसाइल करते हैं तो अपने पास सामने वाली पार्टी का लेजर होता है, और अपन को एक एक आइटम अपना टिक करना होता है, यदि आप पेन और पेपर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेली में ही इसको कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, सामने वाली पार्टी का लेजर ओपन करेंगे, साथ में आपकी बुक्स में जो लेजर आपने मेंटेन किया है उसको ओपन करेंगे। ये मान लीजिए इसमें 2 ही में एंट्री है, इस महीने में ज़्यादा होगी तो इसमें इसका बहुत ही काम आता है इस की का। अब मान लीजिए आपने ये एंट्री मैच कर ली है इसकी, आपकी सेल्स की एंट्री आपने उसको की, उसने आपको क्रेडिट किया हुआ है जितना अमाउंट आपने उसको डेबिट किया है, तो आपकी एंट्री मैच हो गई है, तो आप इसको आल्ट प्लस आर से हाइड कर सकते हैं। यानी कि जो एंट्री आपने टैली कर ली आप आल्ट प्लस आर प्रेस करके उसको हाइड करते जाइए, बची हुई एंट्री है वही आपको रिकनसाइल करनी है। जैसे जैसे आपकी एंट्री रिकनसाइल होती जाती है उसको आल्ट प्लस आर से हाइड करते जाइए, बची हुई एंट्री आपकी रिकनसाइल आप आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों जो एंट्रीज आपने हाइड की है उसको रिस्टोर करने के लिए या अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की है आल्ट प्लस यू। अब आप आल्ट प्लस यू करेंगे तो यहाँ पे जो आपने एंट्री अनहाइड करनी है आपको वो आपकी वापस आ जाएगी, ये आप आल्ट प्लस यू से देख सकते हैं कि वो एंट्रीज एक एक वापस आ जाती है दोस्तों। इसके बाद शॉर्टकट की है आपकी स्पेस बार। आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो सिलेक्शन के लिए जो की यूज़ होती है वो है स्पेस बार। इस एंट्री पे आप स्पेस बार प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे कि एंट्री हाईलाइट हो चुकी है, यानी कि आपको आपने इस एंट्री को सेलेक्ट कर लिया है। स्पेस बार से सिलेक्शन होता है। इसके बाद यदि आपको काफ़ी सारी एंट्रीज आपको दिख रही है सामने और वो सब की सब करनी है,
एक ही एंट्री सेलेक्ट करनी है, तो आप सिर्फ स्पेस बार दबाएंगे, एक पर्टिकुलर एंट्री सेव होती है। लेकिन यदि आपको सारी ही एंट्रीज जो आपको दिखाई दे रही है वो एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाइए, तो जितनी भी एंट्रीज आपको यहाँ पे इंटरफेस पे सामने दिखती है वो सारी एंट्रीज एक साथ सेलेक्ट हो जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, कई बार क्या होता है कि आपको 8 या 10 एंट्रीज एक साथ सामने जो नज़र आ रही है वो डिलीट करनी होती है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पे शॉर्ट आउट कर लेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे कि आपको ये एंट्रीज नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार से सारी एक साथ सेलेक्ट कीजिए। डिलीशन के लिए शॉर्टकट की है Alt+D, इसके बाद आप Alt+D प्रेस करिए। जैसे ही आपको ये पॉपअप आपके पास आएगा एक कि क्या आप सिलेक्शन जो आपने किया उसको डिलीट करना चाहते हैं, यस प्रेस करते ही आपकी सारी एक साथ डिलीट हो जाएगी। इससे आपका काफ़ी सारा समय जो है वो बचता है काम के दौरान। अब दोस्तों ये जो एंट्रीज है ये अपन ने सेलेक्ट की हुई है, ये जितना भी एंट्री सिलेक्शन किया हुआ है, यदि आपको सिंगल एंट्री रिस्टोर करनी है, अनहाइड करनी है, तो उसके लिए अपने पास शॉर्टकट की मैंने आपको बताई Alt+R। लेकिन यदि आपको सारी एक साथ अनहाइड करनी है तो आप इसके लिए की प्रेस करेंगे Ctrl+U। अब ये मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपने इसको ओपन ने हाइड किया, अब सारी एंट्रीज आपको एक साथ अनहाइड करनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली Ctrl+U प्रेस कीजिए, तो सारी हाइड की हुई एंट्रीज एक साथ आपके सामने वापस आ जाती है। तो सारी एंट्रीज यदि आपको एक साथ अनहाइड करनी है तो आप Ctrl+U प्रेस कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एक एंट्री जो आपने लास्ट में हाइड करी है, देखिए एक एक एंट्री आप करेंगे तो जो सबसे बाद में आपने हाइड की है वो एंट्री सबसे पहले अनहाइड होती है, और इसी क्रम में आगे से आगे अनहाइड होती जाती है। एक साथ आपको करनी है तो आप Ctrl+U यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पेज अप का ऑप्शन। पेज अप आपके कीबोर्ड पे आप देखेंगे तो पेज अप जैसे ही आप करते हैं तो पेज अप से आपका पहली एंट्री पे आप चले जाते हैं, यानी कि पेज अप से आपकी प्रीवियस एंट्री इसमें आती है। अपन देखते हैं इसमें कोई एंट्री अपन खोल के देखते हैं ये एंट्री। अब जैसे इसको पेज अप करेंगे अपन एंट्री को, या अपने एंट्री ओपन की हुई है, यहीं से आपको इससे आगे या पीछे की एंट्री देखनी है, तो आप पेज अप या दूसरा जो की है वो है आपका पेज डाउन। नेक्स्ट एंट्री पेज डाउन से आती है, पेज डाउन करेंगे तो आपके पास, मेरे पास इसमें अभी डेमो के लिए मैंने बनाया हुआ है तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जैसे ही आप पेज डाउन करेंगे आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है, और जैसे ही आप पेज अप करते हैं तो आप पेज अप से आपकी प्रीवियस एंट्री ओपन हो जाती है। इसके बाद की आती है दोस्तों Ctrl+R, बहुत ज़्यादा काम में आती है डे टू डे लाइफ में, आपके अकाउंटिंग में आपको एक ही तरह की एंट्री आप पोस्ट करने बैठे हैं, खासकर ये जो पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम करते हैं उन अकाउंटेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये शॉर्टकट कीज हैं वो काम आती है। क्योंकि होता क्या है, जो भी बंदा पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम कर रहा है उसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो अपने क्लाइंट के यहाँ पे जाता है और अकाउंटिंग का काम करता है। मान लीजिए आपने किसी का पार्टी का अकाउंट्स ले रखे हैं, आप उसके वीक में एक बार जाते हैं या 15 दिन में एक बार जाते हैं, तो आपको जो वहाँ से पेपर्स मिलेंगे वो एक साथ मिलेंगे 15 दिन के, महीने भर में एक बार जा रहे हैं तो आपको पूरे महीने के पेपर्स जितने भी करस्पॉन्डिंग पेपर्स हैं, चाहे वो सेल्स के हैं, चाहे परचेज के बिल हैं, चाहे खर्चों के उनके जितने भी बिल हैं, वो आपको एक साथ मिलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, आपको एक ही चीज़ बार बार पोस्ट करनी होती है, उसका नरेशन डालना होता है। मान लीजिए कि वहाँ पे व्हीकल है, उनके पेट्रोल के आपके पास बिल आए हैं, एक महीने के आपके पास 15 या 20 बिल आपके पास आ जाते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर में आप गए, पेमेंट की एंट्री की आपने, मान लीजिए आज 20/9 का डेट है, कैश में गए आप, यहाँ पे आपको डालना है व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये आपने डाल दिया मान लीजिए 2000 रुपये, और यहाँ पे आपने नरेशन टाइप कर दिया बींग पेड फॉर पेट्रोल वाइड बिल नंबर, ये मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने दोस्तों एंट्री पोस्ट कर दी है, इसका नरेशन डाल दिया है। अब
सारे बिल आपके पास महीने के एक साथ आपके सामने हैं। आपने क्या किया, शॉर्ट लिस्टिंग करी। पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स के लिए काम करने का जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बढ़िया तरीका भी है कि सबसे पहले आप पेपर्स शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। सेल्स के बिल आपने एक साथ डाल लिए, सीरियल नंबर से आपने अरेंज कर लिए। यदि वो सीरियल नंबर से नहीं है, कई बार क्या है कि आदमी प्रिंटेड सेल बुक रखता है, कई बार आपको सिस्टम से जनरेट किए हुए प्रिंटआउट्स मिलते हैं तो वो आगे पीछे हो सकते हैं। आप उनको डेट वाइज सीरियल नंबर वाइज अरेंज कर लीजिए। इसी तरीके से परचेज के बिल आएंगे तो आप उनको डेट वाइज अरेंज कर लीजिए। इसी तरीके से आपके पास खर्चों के बिल्स आते हैं तो आप उनको डेट वाइज अरेंज कर लीजिए। उसमें भी आप इसका फर्दर कैटेगराइजेशन कर दीजिए। यदि एक ही तरह के बिल हैं तो उनको आप एक जगह कर लीजिए, बाकी खर्चे के बिल आप अलग कर सकते हैं। तो सपोज पेट्रोल के काफ़ी सारे बिल हैं आपके पास, तो आपने एक साथ उनको अरेंज कर लिया है, अब आप एक साथ इनकी एंट्री पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये आपने नरेशन टाइप कर दिया इसमें, अब इसको आपने सेव कर दिया है। यहाँ से अपन एंटर करके सेव कर देते हैं इसको। दोबारा जब आप दूसरे बिल की एंट्री करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपने डाला और यहाँ पे आपको की प्रेस करनी है आपकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस आर। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका पूरा नरेशन आ गया है। अब यहाँ से आप बैक स्पेस दबा के सिर्फ आपको बिल नंबर चेंज करना है, क्योंकि बिल नंबर आपके पास दूसरा आएगा। दूसरा बिल नंबर आपने डाल दिया और आप एंट्री सेव कर दीजिए। दोस्तों आपकी कितनी जल्दी एंट्री पोस्ट इस पर हो जाती है। इसके बाद शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू, यानी कि क्विट। आपको यहाँ से बाहर आना है दिल्ली में, तो आप क्या करते हैं, एक तरीका है एस्केप एस्केप एस्केप। जितनी बार आपको बाहर आना है उतनी बार आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे आप सीधा इसमें क्विट कर लेते हैं, आपको टैली से आप बाहर इसमें आ जाएंगे। तो ये कंट्रोल प्लस क्यू क्विट के लिए शॉर्टकट है। इसके बाद दोस्तों जो बहुत सारा ज़्यादा काम आपके आती है वो आती है कैंसिलेशन। किसी भी वाउचर का आपको कैंसिलेशन करना है, ये ज़्यादातर आपके काम में आएगी सेल के बिल के केस में। मान लीजिए आपने सेल के बिल बनाए और आपने नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिक कर रखी है, तो किसी पार्टी का यदि कैंसिल आपको बिल करना है। अभी अपन चलते हैं इसमें, देखिए मैं सेल्स पे आपको लेके चलता हूँ। ये सेल्स के बिल इसमें कम है बिल्स, ये डेमो के लिए है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उनमें से भी। ये आपके सामने तीन बिल आपको नज़र आ रहे हैं। अब मान लीजिए दो नंबर का बिल जो है ये आपको कैंसिल करना है, तो दोस्तों यदि आप इसको डिलीट कर देते हैं, Alt प्लस D प्रेस करके इसको आपने डिलीट कर दिया, तो जो इसके बाद के बिल हैं जितने भी आपने पोस्ट कर रखे होंगे इनकी नंबरिंग चेंज हो जाती है। दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद पाँच है। तो जैसे ही आप दो नंबर का बिल आपने डिलीट मारा, इसके साथ ही तीन नंबर का बिल है वो ऑटो नंबरिंग होके दो पे आ जाएगा, चार वाला तीन पे आ जाएगा, पाँच वाला चार पे आ जाएगा। इसी तरीके से आगे के जितने भी बिल, जितने भी सेल की एंट्रीज आपने पोस्ट कर रखी है उनकी नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो दोस्तों ये तो अपन को करना नहीं है ना, तो अपन यहाँ पे इसको डिलीट करने के बजाय Alt प्लस X दबा के इसको करेंगे कैंसिल। जैसे ही आप Alt प्लस X प्रेस करते हैं ये आपसे पूछता है क्या इसको कैंसिल करना है, आप इसको प्रेस कीजिए यस। अब आपने इसको कैंसिल जैसे किया है तो आप देखेंगे कि इसके आगे के बिल नंबर आपके चेंज यहाँ पे नहीं हुए हैं। तीन नंबर का बिल है वो तीन नंबर पे ही है, बिल आपका कैंसिल हो गया है, लेकिन आगे की जो सीरियल नंबर आपके बिल्स के वो वैसे ही चले जा रहे हैं। तो आपको डिलीट करने के बजाय Alt प्लस X प्रेस करके कैंसिल करना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ की जिनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है आज के वीडियो में, ये आपके काम को स्मूथ करती है, आपको अकाउंटेंट से एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनाती है, आपके काम में लगने वाले समय को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है, आप बहुत एफिशिएंटली और स्मूथली अपना काम कर पाते हैं। क्योंकि कोई काम जो टास्क आपका है वो आप बहुत ही कम समय में इन कीज का यूज़ करके जब पूरा कर लेते हैं तो आपको बाकी चीज़ों को करने के लिए, बाकी चीज़ें समझने के लिए भी बहुत सारा टाइम आपके पास बचता है। यदि आप दो या तीन घंटे में जो काम करने वाले हैं इन कीज़ की मदद से आप बहुत ज़्यादा फास्टली आप काम कर पाएंगे, तो जो टाइम आपका बचेगा वो टाइम आप कहीं और पे किन्हीं और कार्यों में लगा सकते हैं, कुछ पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा चर्चा और करते हैं अपन, वो है दोस्तों ये आपका गेटवे है टेली का।
यहाँ पे अपन को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला जो भी लेटर इसमें हाईलाइट हो रहा है उसको प्रेस करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी का लेजर देखना है, तो आप करेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स देन लेजर। इसके बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कीजिए DAL, यानी कि डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, सीधा आपके पास वो लेजर ओपन हो जाता है। शॉर्टकट कीज की मदद से आपको आसानी रहती है। इसी तरीके से किसी लेजर में आपको अल्ट्रेशन करना है दोस्तों, तो इसके लिए आप प्रेस कीजिए ALA। अब इस लेजर को आप ओपन करेंगे तो आपको ये अल्ट्रेशन का वो दे देता है। आप अल्ट्र यहाँ पे जो भी चाहें, इसमें चाहे आपने नाम गलत डाल दिया है, अधूरा डाल दिया है, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। ग्रुप गलत डाल दिया है तो आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस डालना है, उसका पार्टी का GSTN नंबर डालना है, ये आप ALA यानी कि अल्टर अकाउंट्स लेजर। तो इस तरीके से आप इसको ALA करके डायरेक्ट वहाँ पे उस लेजर पे पहुँच जाते हैं जो। तो दोस्तों ये थी कुछ शॉर्टकट कीज जो आपके काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम को स्मूथ करती है। इसके बारे में आपने चर्चा की आज। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती है और आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।